नमस्कार, मैं हूं नरेश रागानी और आप देख रहे हैं होराइजन न्यूज। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। बस स्टैंड से दुकानों पर नहीं लगी थी रेट लिस्ट, अधिकारी पहुंचे मौके पर निरीक्षण कर सभी दुकानदारों को रेट लिस्ट लगाने के दिए आदेश, कई दुकानदारों के काटे चालान। आज कई अधिकारी बस स्टैंड पर निरीक्षण करने के लिए निकले, जिस भी दुकानदार ने रेट लिस्ट नहीं लगा रखी थी उसको रेट लिस्ट लगाने के लिए पाबंद किया गया। साथ ही कई जनों के चालान भी काटे गए। अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि अगर इसके बाद भी किसी ने रेट लिस्ट न लगाई तो इस पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। हाँ मैम, बताइए आज किस तरह की कार्रवाई करी गई। सभी दुकानों का निरीक्षण किया गया है, जिनमें रेट लिस्ट नहीं पाई गई है उनको रेट लिस्ट लगाने के लिए पाबंद किया गया है, और अगर फिर भी नहीं लगाते तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्या इनको पूर्व में नोटिस दे चुके हैं रेट लिस्ट लगाने के लिए, और इनके अनुबंध शर्तों में भी है कि ये दुकान में रेट लिस्ट लगाएंगे। और कोई दुकान पे गुटखे वगैरह सीज कर लिए जाते हैं, उन पर जुर्माना कर दिया जाए। कितना जुर्माना? जुर्माना तो ये अलग अलग राशि, जैसे कि गुटखा पे कितना, 500 रुपये का जुर्माना कर दिया जाए, और उनको भविष्य में चेतावनी भी दे दी जाएगी, भविष्य में ऐसी चीज़ दोबारा इन पर नहीं पाई जाएगी। उषा मैनेजर ट्रैफिक CBS। किस तरह से आज कार्रवाई करी गई? आज मैनेजर ट्रैफिक के निर्देशों अनुसार मैनेजर ट्रैफिक साथ में जाकर दुकानों का निरीक्षण किया गया। सुलभ कॉम्प्लेक्स वाले को भी समझाया गया, भाई जो रेट लिस्ट है उसी से यात्रियों से वसूल किया जाए, और दुकानों पे रेट लिस्ट के लिए 19 तारीख को इनको रिमाइंडर नोटिस दिया गया था, उसकी जानकारी के लिए मैनेजर ट्रैफिक ने जाँच की। जो दो तीन दुकानों पर तो लगे थे, नहीं लगे हैं उनको सोमवार तक का समय दिया गया है, और नहीं लगाने पर आवश्यक उचित कार्रवाई की जाएगी। और तम्बाकू उत्पाद ने एक दुकान से 3 नंबर दुकान से जब्त किया है, जो उसके जुर्माना राशि वसूल की जाए। ये सामान कचौरी पकौड़ी जो भी है, MRP जिस उत्पाद पर नहीं है उसके बेचने के लिए। मतदान केंद्रों का जायजा लेने निकले कलेक्टर विश्वमोहन शर्मा सावित्री स्कूल पहुंचे अधिकारियों के साथ, BIO को दिए नाम और फोन नंबर लिखवाने के आदेश। लोकसभा चुनाव की तैयारी होना शुरू हो चुकी है। अजमेर में 29 अप्रैल को चुनाव होने जा रहे हैं, इसलिए आज अजमेर कलेक्टर विश्वमोहन शर्मा अन्य अधिकारियों के साथ मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुए। उन्होंने आज सावित्री स्कूल में 3 बूथों का जायजा लिया, जो कमी दिखी वो अधिकारियों को बताई। साथ ही जो BIO जो मतदान दिवस पर वहां पर मौजूद रहेंगे उन्हें अपने नंबर और नाम पेंट करवाने के आदेश दिए। मैंने आप ले लेना, 29 अप्रैल को अपने अजमेर में मतदान का दिवस है, और जैसा कि चुनाव आयोग के द्वारा निर्देशित किया जा रहा है कि जो अपने पोलिंग बूथ हैं, पोलिंग स्टेशन हैं, वहाँ पे अस्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज जैसे ट्यूबलाइट और मतलब प्रकाश का प्रबंध हो, चार्जिंग पॉइंट्स हो, रैंप बने हो, छाया का प्रबंध हो, पानी उपलब्ध है, यानी ये सारी चीज़ों को हमें बूथ पे जा करके एक बार फिजिकल वेरिफिकेशन करना है। तो उसी के अंतर्गत आज हमने यहाँ पे सावित्री विद्यालय में हम ये 3 बूथ बने हुए हैं। ये तो बूथ्स में BIO का नाम और मोबाइल नंबर नहीं लिखा हुआ था, उनको मैंने निर्देशित किया है कि सभी बूथ में पूरे अजमेर डिस्ट्रिक्ट में जो भी BIO हैं उनका नाम और मोबाइल नंबर पेंट कर दिया जाए, ताकि ये पता रहे कि जो बूथ है वहाँ पे BIO कौन है, उसका मोबाइल नंबर क्या है। और इसके साथ साथ जो कंटिन्यूस एडमिशन का काम चल रहा है वो लगातार चल रहा है। इन्होंने भी बताया, BIO साहब ने, कि 50 नाम इन्होंने Form 6 के भरे हैं, और उम्मीद करता हूँ कि जो अपने अभी मतदान का दिवस है उस दिन पोलिंग स्टेशन पे सारी जो अस्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज जो होनी चाहिए वे उपलब्ध रहेंगी, और इसके लिए अभी से हमने BIO को जागृत किया हुआ है, बार बार निरीक्षण भी कर। आग की लपटों में भभकती रही दुकान और फायर ब्रिगेड पहुंची। आखिरी मौके पर 4 दुकानों का हुआ लाखों का नुकसान, किसी के जले फूल तो किसी के जले बिजली के उपकरण। प्रदेश में गर्मी की शुरुआत होने वाली, उससे पहले ही विद्युत विभाग के ट्रांसफार्मरों ने जवाब देना शुरू कर दिया है। अजमेर के मदार गेट पर बीच स्थित एक ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई, और देखते ही देखते आग ने पास की फूलों की दुकान को चपेट में ले लिया। रोज फूल बेचकर अपनी दिनचर्या चलाने वाले लोगों को इस आग से हजारों का नुकसान हुआ। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचकर दमकलों ने आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि दमकलों की गाड़ी आधे घंटे लेट पहुंची, जिसके चलते आधे से ज्यादा नुकसान हुआ। सूचना मिलने पर विधायक वासुदेव देवनानी भी मौके पर पहुंचे और लोगों से इस हादसे के बारे में जानकारी ली। हमारे पास फायर ब्रिगेड में फोन द्वारा सूचना आई कि मदार गेट पे यहाँ पे ट्रांसफार्मर में आग लगी है,
तो हमने तुरंत दो गाड़ियां रवाना करा दी। आग ज्यादा थी तो हमने दो गाड़ियां एंड टू एंड रवाना करा दी। यहाँ आके देखा तो ट्रांसफार्मर में ऑयल पहले से लीक हो रहा था और लोगों ने सूचना भी दी थी पहले बिजली विभाग में कि उसमें ट्रांसफार्मर में ऐसे हो रहा है, वो उसी कारण इसमें स्पार्किंग हो गई और आग पकड़ ली। हमारे पास ये सूचना है, हमने आया गाड़ी तुरंत भिजवा के और आग पे कंट्रोल कर लिया। जनमन गुलाल से सरोवर शान से निकली बादशाह की सवारी, हजारों की संख्या में उमड़ी लोगों की भीड़। देश में अपनी पहचान रखने वाला ऐतिहासिक बादशाह मेला हर्षोल्लास के साथ आयोजित हुआ। शहर में बादशाह की विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। हजारों की तादाद में बादशाह मेला देखने आए लोग जमकर गुलाल से होली खेलते हुए दिखाई दिए। टकनामा रथ पर बैठे बादशाह ने खर्ची के रूप में गुलाल की पुड़िया लौटाई। लोग बादशाह की लौटाई गई गुलाल को अपनी जेब में रखकर ले जाते हैं। मान्यता है कि इस गुलाल की पुड़िया अपने गले या तिजोरी में रखते हैं, जिससे पूरा वर्ष शुभ फलदायक रहता है। बादशाह की सवारी के आगे बीरबल घूमर नृत्य करता हुआ आकर्षण का केंद्र बन रहा था। बैरुची के खेचड़े से प्रारंभ हुई बादशाह की सवारी महादेव की छतरी अजमेरी गेट से होते हुए उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंची, जहां पर बादशाह ने उपखंड अधिकारी डीएसपी तहसीलदार सहित विभिन्न विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ गुलाल से होली खेली। बाद में बादशाह ने उपखंड अधिकारी को ब्यावर क्षेत्र के विकास के लिए फरमान सुनाकर मेले का समापन किया। कोलाबट्टा में कल रात धसा एक मकान का कमरा, कमरे में नहीं था कोई, इसलिए नहीं हुई कोई जनहानि। पुलिस थाने में मामला दर्ज। कल रात धोलावटा से एक मकान का कमरा धस गया। गनीमत रही कि उस कमरे में परिवार वाले में से कोई सो नहीं रहा था। मकान सरोज देवी के उनके दामाद ने जानकारी देते हुए बताया कि सारी गलती ठेकेदार की, इसलिए कमरा धसा। मामले की रिपोर्ट थाने में भी दर्ज करवा दी गई है। घर में सासू जी का है तो इसकी आपने भी देखी दुर्दशा जो हुई है, वो सब ठेकेदार की वजह से हुई है। ठेकेदार को भी हमने मतलब मकान बना उसके 3 साल बाद से ही बताना चालू कर दिया था कि बोले ये कंडीशन है। तो उसने काफ़ी टाइम तक ताली टोली करी आने में, फिर बाद में आकर देख के गया तो बोला करवाता हूँ कर करके उसने कुछ भी नहीं करवाया, आता जाता देखता रहता था। फिर उसके बाद में हमने इसकी रिपेयरिंग करवाई 2 बार तो, और अब आपने देखा जो कंडीशन है ये वही है। क्या हुआ है पूरा थोड़ा घटनाक्रम बताएं, कब गिराया मकान ये? मकान कल सुबह 3:30 बजे के बीच में अचानक ही ढह गया, और उसके बाद में तो फिर सब लोग इकट्ठे हुए देखा करा, फिर सब लोगों को दिखाया करा। अब उसके बाद में मकान में मौजूद था, मकान में सभी सो रहे थे, और ये जो गिरा वो एक्चुअल में बेडरूम ही था। वो तो किस्मत अच्छी थी कि कोई रात को नहीं सोया वहाँ पर, तो अभी बड़ा हादसा हो सकता था लेकिन हुआ नहीं। भाई कल रात ये मकान सरोज देवी जी का है, नौका ये इंदिरा नगर 11 दुकान के पास में धोलावाटा अजमेर में। सामान में तो काफ़ी है, जैसे सोफा है, घर का सामान है, पंखा है, बर्तन भांडे हैं, सब कुछ ही है उसके अंदर। बेडरूम था टोटली एक तरह से। तो अभी तक तो थाने पे एप्लीकेशन तो दिए, लेकिन बीट अधिकारी अभी तक तो कोई भी नहीं आया यहाँ पर। पार्षद साहब तो आके गए हैं अभी, उनको हेमंत जी नाम बताया, आपका नाम पहले बताइए। मेरा नाम तरुण कुंपा। झूलेलाल मंदिर में मनाई गई शहीद हेमू कलानी की जयंती, सिंधी समाज से जुड़े लोगों ने मूर्ति पर माला चढ़ाकर किया याद। झूलेलाल मंदिर पर आज सिंधी समाज से जुड़े लोगों ने शहीद हेमू कलानी की जयंती मनाई। सभी बंधुओं ने मूर्ति पर फूल माला चढ़ाकर उन्हें याद किया। साथ ही जयंती की पूर्व संध्या पर सिंधी समाज से जुड़े लोगों ने दीपदान कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस वर्ष भी शहीद हेमू कलानी की जयंती के कार्यक्रम के निमित्त भारतीय सिंधु सभा और पूज्य झूलेलाल समिति के सामूहिक कार्यक्रम के निमित्त कल महाराजा धारसेन पर दीपदान का कार्यक्रम, पूर्व संध्या पर दीपदान का कार्यक्रम किया गया था। आज डिक्की चौक पर
हेमू कालानी के कार्यक्रम में बाकी सारे समाजों को साथ में लेते हुए ये कार्यक्रम जयंती का कार्यक्रम पुष्पांजलि का कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम के पीछे हेतु ये रहता है कि आने वाली जो नई पीढ़ी है उसको जिन्होंने अपना सर्वस्व भारतवर्ष के लिए निछावर किया और समाज में भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद की तरह अपनी कुर्बानियाँ दी हैं वो सब याद करें और नई पीढ़ी उसे प्रेरणा ले, इस कार्यक्रम के निमित्त यही उद्देश्य रहता है। मोहन तुलसानी। जेएल अस्पताल में बंद हुई डायलिसिस की सेवा तो गरीबों पर आएगा संकट। कलकत्ता की संजीवनी नामक संस्था बंद कर रही है डायलिसिस सेवा, सोमवार से कई इंजेक्शन और दवाई भी करेगी बंद। पिछले कुछ सालों से जेएल अस्पताल में डायलिसिस की सेवा कलकत्ता की संस्था संजीवनी अपनी सेवा दे रही है, लेकिन अब यह जानकारी मिल रही है कि संस्था जल्द ही यह सेवा बंद करने जा रही है। जानकारी के अनुसार जेएल अस्पताल और संजीवनी के बीच एक एमओयू साइन हुआ था, लेकिन जेएल अस्पताल उस एमओयू के हिसाब से काम नहीं कर रहा है। पेमेंट भेजने के बजाय उन्हें बिजली का बिल भेजा जा रहा है। संजीवनी संस्था सोमवार से तो डायलिसिस में काम आने वाले इंजेक्शन भी बंद करने जा रही है, जिसकी वजह से गरीबों पर संकट आने वाला है, क्योंकि इंजेक्शन अगर बाहर से खरीदा जाता है तो बहुत ही महंगा पड़ता है। किस तरह से परेशानी का सामना उठाना पड़ा है? नहीं, अभी जो संजीवनी वाले हैं वो बोल रहे हैं कि यूनिट बंद होने जा रही है, वो तो हमें नहीं मालूम बंद क्यों होने जा रही है। बाकी उनके काम में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। जब से यूनिट शुरू हुई है ना, जब से मेरी डायलिसिस चल रही है, हफ्ते में 3 बार कराता हूँ और मैं सी पॉजिटिव हूँ, तो पॉजिटिव की मशीन जो है या संजीवनी के अलावा और कहीं नहीं है। तो हम अगर पैसा भी दे के कराना चाहें तो हम नहीं करा सकते। तो यहाँ हमारा हो रहा था सब कुछ सही है और यूनिट भी अच्छे काम कर रही है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बंद क्यों कर रही है? ये तो ये लोग जाने, उनका पेमेंट वगैरह कुछ रोक लिया गया, पेमेंट वगैरह रोक लिया बताते, तो वो पेमेंट का तो हम लोगों को कैसे मालूम पड़ेगा कि कितना पेमेंट रोका है, क्यों रोका है, ये चीजें तो हमको नहीं मालूम है। गरीब आदमी इससे परेशान होगा? गरीब आदमी हम कर ही नहीं पाएंगे इतना पैसा का। कम से कम भी 1 महीने का डायलिसिस और ट्रीटमेंट वगैरह सब मिला के 40,000 रुपए 1 महीने का आएगा, कम से कम 40,000। मेरे को पेंशन मिलती है तो मैं पेंशनर हूँ, कहाँ से पैसे ला सकता हूँ? तो ये तो मौत के अलावा, हमारे पास मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, मतलब किसी तरह का कोई रास्ता नहीं है। अगर डायलिसिस 1 दिन भी नहीं होती ना, दूसरे दिन ही पैरों पे सूजन आ जाती है, तो मेरे 1 दिन छोड़ के 1 दिन हो रही है, मतलब हफ्ते में 3 बार होती है। तो अगर वो 1 दिन भी मिस करता हो तो मेरे लिए तबीयत खराब हो जाती है ऑलरेडी, और मेरी नहीं, जो भी डायलिसिस कराता है उसकी ऐसे की ऐसी तबीयत खराब हो जाती है। तो ताज मोहम्मद खान है, मैं इंडियन नेवी में था। डायलिसिस होते हुए मेरे को 6 साल से ऊपर हो गया। नाम क्या आपका? हाँ जी मैम, बताइए क्या परेशानी हो गई है, क्या है पूरा मामला? ये अपना जेलेन जो है, जेलेन और संजीवनी एक कलकत्ता की एनजीओ है, इन दोनों के बीच में पिछले 2 साल पहले एक एमओयू सिग्नेचर हुआ था और अपने जेलेन के अंदर जब विनय मल्होत्रा जी यहाँ थे डायलिसिस यूनिट स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि डायलिसिस पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। आज की तारीख में अपने डायलिसिस यूनिट के अंदर 150 से ऊपर पेशेंट्स हैं जिनका डायलिसिस डेली हो रहा है, यानी कि डेली लगभग 40 पेशेंट्स का डायलिसिस हो रहा है। कुछ पिछले 2 सालों के बीच में ऐसा रहा कि संजीवनी और जेएलएन के एमओयू के बीच में काफ़ी परेशानियां रही, क्योंकि संजीवनी को यहाँ एकेडमी भी स्टार्ट करनी थी पर वो एकेडमी स्टार्ट नहीं हो सकी, क्योंकि एकेडमी स्टार्ट नहीं हुई तो अपने प्रशासनिक भवन वालों ने इन लोगों का पेमेंट काटना शुरू कर दिया, कुछ पेमेंट कटता रहा। अभी इन लोगों ने लीगल नोटिस दिया था संजीवनी वालों ने, लेकिन करीब 16 नोटिस देने के बाद भी, एक लीगल नोटिस और 16 लेटर देने के बाद भी जेलन की तरफ से, अनिल जी की तरफ से कोई जवाब उनको नहीं मिला। ये चीज़ फिर बाहर निकल के आई, तब हम लोगों ने, इससे पहले भी मैं कम से कम अभी तक 15-20 बार अनिल जैन जी से मिल चुकी हूँ, और इसी चीज़ पे तो इन्होंने कहा कि वहाँ एमओ नहीं है, एक एमओ भी वहाँ रख दिया गया है, डाइटिशियन नहीं है, डाइटिशियन भी वहाँ रख दिया गया है, लेकिन अभी भी वहाँ का पेमेंट कट रहा है। और अभी 2 साल बाद इन लोगों ने लाइट का बिल भेज दिया 2,40,000 रुपये, ऐसा संजीवनी वाले जो उनके हेड है मिस्टर संदीप चक्रवर्ती वो बता रहे हैं, और उसके नाम से उनका पैसा काट लिया गया है। अब पैसा तो काटा गया है,
कि संजीवनी और जेलेन वालों के बीच में, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पैसे के पीछे पेशेंट सफर क्यों करे, क्योंकि आज अगर 150-200 पेशेंट में से किसी की भी जान जाती, क्योंकि डायलिसिस जीवन का ऐसा प्रोसेस है कि अगर आपका खून साफ नहीं किया गया एक दिन भी तो आपकी मौत हो सकती है, तो पेशेंट्स का क्या होगा? और अगर ये डायलिसिस यूनिट बंद होती है, क्योंकि यूनिट वाले ये कह रहे हैं कि हम लोग मंडे से सारी चीज़ें देना बंद कर देंगे, चीज़ों में ऐसा है कि वो लोग निडल्स हैं जो दो निडल लगती है, एनएस है प्लस डायलाइजर है, अगर ये सारी चीज़ें बंदा बाहर से खरीद के डायलिसिस करवाता है तो लगभग 2-2.5 हज़ार रुपये का खर्चा उसके पास। कुछ एक चीज़ जो ये बता रहे हैं अभी कि यहाँ से ईपीओ नहीं मिल रहा है, जहाँ रघु शर्मा जी के आने के बाद ये हुआ है कि कैंसर और किडनी पेशेंट्स के लिए दवाइयाँ फ्री की जा रही है, वहाँ पे तो ये हो रहा है कि जो ब्लड के लिए इंजेक्शन है वही नहीं मिल रहा है, और वो इंजेक्शन मार्केट में 2200 रुपये का है, एक गरीब आदमी उस इंजेक्शन को लेकर लगवा नहीं सकता है, और अगर ब्लड का हीमोग्लोबिन कम होता है तो पेशेंट के मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। लगभग महीने भर से जेलन वो भी अवेलेबल नहीं करवा रहा है। अब अगर मंडे से यूनिट बंद होती है तो मेरा तो निवेदन है जैन साहब से कि जो भी परेशानी है संजीवनी और जेलन के बीच की वो बैठ के टेबल पे क्लियर की जाए। कितने पेशेंट हैं आज की तारीख के अंदर डायलिसिस के जो करवाते हैं अजमेर के जेलन में? लगभग 200-250 पेशेंट हैं। कितने दिन के अंदर? हर डेली चलता है, 24 घंटे ये यूनिट चलती है और डेली 40 के आसपास, 35-40 के आसपास पेशेंट्स का होता है। 2500 कम से कम 2500 रुपए का खर्चा है, और अगर वो ईपीओ लगवाता है जो ब्लड के लिए इंजेक्शन है, अगर वो लगवाता है तो लगभग 4500-5000 का खर्चा आता है, जो आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है। मेरा नाम डॉक्टर रशिका महर्षि। मदारगेट स्थित ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग, चार दुकान आई चपेट में, मौके पर पहुंची अग्निशमन की गाड़ियों ने आग पे पाया काबू, घटनास्थल पर भारी भीड़ का लगा जमावड़ा। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मदारगेट से आ रही है। मदारगेट से ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई है, जिसकी चपेट में चार दुकानें आ गई है। दुकानों में पड़ा सारा माल जलकर राख हो चुका है। आग लगने के तुरंत बाद ही व्यापारियों ने पुलिस और अग्निशमन केंद्र में सूचना दी। अग्निशमन की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग की लपटें इतनी ज्यादा थी इसलिए फायर ब्रिगेड को काफी मशक्कत करनी पड़ी। मौके पर भारी भीड़ का जमावड़ा लग गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। व्यापारियों का कहना है कि आग लगने से पहले एक बड़ा विस्फोट हुआ, उसके बाद आग नीचे तिरपाल पर गिरी और आग बढ़ती चली गई। लोगों को लगा कि हल्की सी आग इसलिए जल्दी बुझ जाएगी, लेकिन कुछ ही देर में आग ने एक विकराल रूप ले लिया और चार दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। सर, क्या हादसा था और किस तरह सूचना मिली आपको और किस तरह इस पे काबू पाया गया? ये मदारगेट चौकी के पास बालाजी के मंदिर के ठीक सामने जो ट्रांसफार्मर है उसमें शॉर्ट सर्किट लगने से जहाँ तक खबर है आग लग गई है, और इसकी मंदिर की एक दीवार और सामने 4-5 फूलों की दुकान है जिसको नुकसान हुआ है, लेकिन एक भी जनहानि नहीं हुई है। सब समय पे प्रशासन और पुलिस की टीम समय पे पहुंच गई थी और ये पब्लिक द्वारा समय पे सूचना दे दी गई थी जिससे हम समय पे पहुंच पाए, और अभी आग पे जैसा आप देख रहे हैं पूरा नियंत्रण पा लिया गया है और आगे देखा जाएगा कि क्या ये शॉर्ट सर्किट ही था कि कोई और कारण था जिससे ये आग लगी है। सर, बताया जा रहा है कि सूचना के भी आधा घंटे बाद अग्निशमन की गाड़ी आई है, उसके कारण ये 12 दुकानें पूरी जल चुकी है, आप 4 दुकान बता रहे हैं। पब्लिक में ऐसा 2-3 जन ये कह रहे हैं, इसकी भी पुष्टि कर ली जाएगी कि कब सूचना दी गई थी और कितने समय बाद आई। समय पे आ जाती, लेकिन हो सकता है कोई कारण रहा होगा, अन्यथा तो ऐसा कोई बात नहीं है कि क्यों ये लेट आए। ये अभी बता पाना मुश्किल है क्योंकि अभी आग पे नियंत्रण पाया गया है, वहाँ पर अभी भी गर्म है, तो इसको देख करके कि क्या नुकसान है इसका अनुमान लगाना पड़ेगा। हाँ भाई साहब, अभी आधे घंटे के अंदर अंदर ये पहले तो इसका विस्फोट हुआ था ऊपर, तो ऊपर से आग जैसे आग नीचे गिरी तिरपाल को पकड़ लिया, तिरपाल पकड़ते पकड़ते पूरे में आग फैल चुकी थी। हमें इतनी उस ध्यान नहीं आया कि पूरे में आग लग जाएगी, हम तो देखा चलो ठीक है, तो फटाखा बोले नीचे उतर के बाहर आ गए, सारे गले में सभी के पास पैसे पड़े हुए थे, जो किसी के पास 3,000, किसी का 5,000, किसी का 8,000, सब पैसे छोड़िए, किसी का सारा सामान जल के राख हो चुका है, किसी का लैपटॉप था, किसी का मोबाइल है, वो भी जल के राख हो चुका है, और पूरा पूरा का अगर दुकानों का सबका मिला के 60-70 हज़ार का नुकसान है। कितनी दुकानों में आग लगी? तो 14 दुकानों में, सारी दुकान जल के नष्ट हो चुकी है, फूलों की जितनी भी दुकान है सब जल के नष्ट हो चुकी है। मेरा नाम रामगोपाल सैनी। रातीडांग निवासी पहुंचे भू माफियों की शिकायत लेकर कलेक्ट्री, पूर्व में एडीएम में भी दिया था ज्ञापन, कॉलोनी में अवैध रूप से भवनों का कर रहे हैं निर्माण। रातेडंग के निवासी आज अपने क्षेत्र की समस्या लेकर कलेक्टर के पास पहुंचे। इनका कहना है कि इनके क्षेत्र में पूर्व माफियाओं ने अवैध रूप से कब्जा करके भवन का निर्माण कर लिया है। क्षेत्रवासी ने कहा कि पूर्व में भी एडीएम में ज्ञापन दिया था लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए आज कलेक्टर के पास शिकायत लेकर पहुंचे। रातेडंग के निवासी हैं, वहां पर नंबर 101, 102, 103 के अंदर
से लेके और शाम कॉलोनी के लिए एक रास्ता जा रहा है जिसके अंदर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा कर लिया गया और वहाँ पर एक कोठी का निर्माण कर दिया गया। हम लोगों ने इसमें पूर्व में भी एडीए के अंदर इसकी शिकायत दर्ज करवाई थी, वहाँ से कुछ हमें रिलीफ नहीं मिला। तो सभी समस्त कॉलोनी वासी आज कलेक्टर साहब के पास ज्ञापन देने आए हैं और स्थिति से अवगत कराने आए कि भूमाफियाओं द्वारा जो वहाँ पर महिलाओं और बुजुर्गों के साथ जो बदतमीजी की गई उसके खिलाफ हम सभी कॉलोनी वासियों में रोष है और हम प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि हम लोगों को उससे रिलीफ देंगे और इन लोग इस ऐसे तबकों के लोगों को रोकेंगे प्रशासन। अच्छा, एक अजमेर शहर के अंदर आजकल ये गतिविधियां बहुत ज़्यादा होने लग गई हैं जिसकी वजह से अजमेर का माहौल काफ़ी बिगड़ता जा रहा है। अगर इस तरह के भू माफिया को नहीं रोका जाता तो आगे आने वाले में समय में गंभीर परिणाम हो सकते हैं। मैं सौरभ यादव। राष्ट्रीय राजीव गांधी ब्रिगेड पे कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय पदाधिकारी ने की दरगाह जियारत, आगामी लोकसभा चुनाव में की जीत की दुआ। आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत के लिए अजमेर दरगाह शरीफ में दुआ मांगी। राष्ट्रीय राजीव गांधी ब्रिगेड कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय पदाधिकारी ने सूफी संत हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में अकीदत की चादर पेश करी और देश का अगला पीएम राहुल गांधी के बनने की दुआ मांगी। ब्रिगेड के सभी पदाधिकारियों ने दरगाह के निजाम गेट के हुजरा नंबर 4 से चादर का जुलूस निकाला और ब्रिगेड के राष्ट्रीय सचिव एवं खादिम हाजी सैयद इमरान चिश्ती की वकालत में ख्वाजा साहब की बारगाह में चादर पेश की। जियारत के बाद हजरत बाबा फरीद साहब के चिल्ले पर खास मन्नत की दुआ मांगी गई और देश में कांग्रेस सत्ता की वापसी के साथ साथ राहुल गांधी के अगला पीएम की दुआ की गई। ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष सलीम भारती के अनुसार समाज सेवी मोहम्मद मियां के नेतृत्व में चादर पेश की गई, देश में अमन चैन की और खुशहाली की दुआ मांगी गई। इसी के साथ धर्म जाति और समाज को एक माला में पिरोने का काम ब्रिगेड करेगा और आगामी चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत के लिए भरपूर मेहनत करेगा। रैम्बल रोड शिव मंदिर पर सखी मंडल ने मनाया फागोत्सव, फूलों की होली खेलकर गाए भगवान के भजन, बड़ी संख्या में महिलाओं ने लिया भाग। आज रैम्बल रोड पर शिव मंदिर पर सखी मंडल द्वारा फागोत्सव का आयोजन किया गया जिसमें सखी मंडल से जुड़ी महिलाओं ने कार्यक्रम में भाग लिया और फागोत्सव मनाया। इस मौके पर सभी महिलाओं ने फूलों की होली खेली और भगवान के भजनों पर जमकर थिरके, अंत में एक दूसरे को गले लगाकर शुभकामनाएं दी। नाम पिंकी शर्मा। आज रैम्बल रोड शिव मंदिर में फागोत्सव मनाया जा रहा है और ये ठाकुर उत्सव सखी प्रिय मंडल है, उस मंडल की ओर से ये फागोत्सव मनाया जा रहा है और सब सखियों की तरफ से ये फागोत्सव मनाया जा रहा है। किस तरीके से बना रहे हैं? बहुत फूलों फूलों की होली खेल करके हम फागोत्सव मना रहे हैं, बाबा को रिझा रहे हैं। और खबरें विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonin.com। सच के साथ।